जैसे कि हम लोग चर्चा किए थे कि रीना दी का पोषण वाटिका में अलग अलग 8 तरह का सब्जी लगाएंगे, वो हम लोग अब लगा लिए। अब हम आगे और आप लोग को जानकारी देंगे। अब आगे की जानकारी हम लोग को बताइए। अब अगला काम होगा बकरी मुर्गी अन्य जानवर से हम बचा पाए तो पोषण वाटिका से सब्जी खा पाएंगे, इसलिए दीदी अपना पोषण वाटिका में नेट का उपयोग करके घेरा करेंगे। सब्जियों के अलावा हमारे खान पान में फल का होना बहुत जरूरी है, इसलिए पोषण बगीचा में 2 से 3 तरह का फल का पौधा होना बहुत जरूरी है। चूंकि रीना दी का पोषण वाटिका में पहले से अमरूद और पपीता का पौधा लगा हुआ है और साथ में मुनगा का पेड़ भी लगा हुआ है, इसलिए आज हम लोग फलदार पौधा नहीं लगाएंगे। लेकिन जिस दीदी का घर में फलदार पौधा नहीं है, उस दीदी का पोषण वाटिका में फलदार पौधा लगाना बहुत जरूरी है। हम सभी दीदी जानना चाहते हैं कि पोषण वाटिका के क्या क्या फायदे हैं। पोषण वाटिका से बहुत फायदा हो मिलता है दीदी, जैसे कि इसमें हमारा ताजा सब्जी मिलता है और जो बाजार से खरीदते थे वो हमारा पैसा जो खर्च होता था वो पैसा का बचत होता है, जिसे खाकर गर्भवती महिला, धात्री माता, किशोरी, बच्चे और उसके साथ घर के पूरे परिवार स्वस्थ रहते हैं। धन्यवाद दीदी आपको जो हम लोग को पोषण वाटिका के बारे में बताया। इस छोटी सी पोषण वाटिका में थोड़ी सी मेहनत से हम लोग साल भर ताजी एवं हरी सब्जियां खा सकते हैं। हाँ किरण दीदी, इस पोषण वाटिका से कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिलता है। इस पोषण वाटिका को हर दीदी को अपनाना चाहिए और अपने गांव के आसपास के दीदी को भी पोषण वाटिका बनाने में मदद करनी चाहिए। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए पोषण वाटिका सबसे बेहतर उपाय है।